दोस्तों अगर आप सी फेरर हो या फिर सी फेरर के कोई रिश्तेदार या फिर आपको थोड़ा बहुत जानने का मन है कि मर्चेंट नेवी का लाइफ कैसा होता है, लाइफ एट सी कैसा होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है जहां पे मैं बताने वाला हूं कि सी फेरर के लाइफ में अगर कोई चीज खत्म हो जाता है, जैसे हम लोग घर से निकले पूरा पैकेजिंग के साथ लेकिन कुछ चीजें अगर खत्म हो जाता है या फिर जो चीजें हम लोग साथ में नहीं ले सकते हैं वो ओपन सी में हम लोगों को कहां से मिल सकता है, क्या हम लोग सिप पे शॉपिंग कर सकते हैं, तो ये रिलेटेड वीडियो मैं आपके सामने ये लेके आया हूं। मैं हूं साइंतन चटर्जी एंड आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिस्टर जहाजी। तो बात यह है कि अगर ओपन सी में हम लोगों को कुछ चाहिए होगा तो हम लोग वो ऑब्वियसली शिप से ले सकते हैं। शिप पे एक सिस्टम होता है उसका नाम है बॉन्ड स्टोर, एंड बॉन्ड स्टोर में इसका फंडा यह है कि एक रूम को, एम्प्टी रूम को स्टोर बनाया जाता है जहां पे एक इंसान की जरूरत की चीजें जो जो होता है, जैसे सिगरेट हो गया या फिर कोल्ड ड्रिंक्स हो गया या पोटैटो चिप्स भी हो सकता है या फिर चॉकलेट हो सकता है या फिर टूथब्रश हो सकता है, टूथपेस्ट हो सकता है, तो ये जब चीजें जो रहते हैं ये सबको वो बॉन्ड स्टोर में डाला जाता है, वो स्टोर रूम में डाला जाता है, एंड आप चाहो तो वहां से आपके हिसाब से सामान ऑर्डर करके खरीद सकते हो। अभी आते हैं इसका इंचार्ज कौन है एंड कैसे ये हैंडल होता है। तो मेनली जो कैलकुलेशन का है कि कैसे आपका डिडक्शन होगा, आप जो सामान खरीदोगे, पैसे का लेन देन जो है, ये सब संभालता है कैप्टन, एंड कैप्टन के ऑथराइजेशन के ऊपर कोई एक शिप के बंदे ये सब हैंडल करते हैं। वो चीफ मेट भी हो सकता है या फिर चीफ कुक भी हो सकता है या फिर जीएस भी हो सकता है कि जिसके ऊपर कैप्टन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, उसको ये सब चीजें हैंडल करना पड़ता है। इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है बताता हूं कि जैसे हम लोग को एक लिस्ट दिया जाता है, एक स्लॉप चेस्ट कहते हैं उसको, ये छोटे छोटे भी हो सकते हैं इंडिविजुअल पर्सन के लिए या फिर एक लिस्ट रह सकता है जहां पे आइटम का नाम, मतलब क्या क्या आइटम अपने बॉन्ड स्टोर में अवेलेबल है, ये सब आइटम्स का नाम एंड बगल में उसका यूनिट प्राइस की, मतलब एक जैसे आप सिगरेट लेना चाहते हो तो सिगरेट कार्टन ही आपको लेना पड़ेगा एंड एक कार्टन का कितना प्राइस है वहां पे लिखा रहता है अलग अलग सिगरेट का, एंड या फिर कोल्ड ड्रिंक्स का समझ लीजिए, जैसे कोक हो गया, स्प्राइट हो गया, मिरिंडा हो गया, तो अलग अलग फ्लेवर के अलग अलग प्राइस या फिर सेम प्राइस ये मेंशन किया रहता है। जैसे अपना एक दुकान में जाके जैसे हम लोगों को मिलता है लिस्ट सेम, एंड आपको बगल में वहां पे आपका नाम एंड कौन सा लेना है एंड क्या क्वांटिटी में लेना है ये लिखना है। तो जैसे आप ये लिखते हो ये सबमिट हो जाएगा एंड नेक्स्ट डे या फिर सेम डे आपको वो चीजें अलॉट कर दिए जाएंगे। तो बॉन्ड स्टोर ओपनिंग का भी कुछ रूल्स रहता है, ये सुपरमार्केट की तरह नहीं होता कि आप कभी भी जाओ एंड आपका जरूरत का सामान ऑर्डर करो और लेके आ जाओ। इसका एक रूल्स रहता है, एक सिस्टम रहता है जो कैप्टन होता है उनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको जो स्लॉप चेस्ट है वो आप हफ्ते में एक बार भर सकते हो कि 15 दिन में एक बार भर सकते हो कि दिन में एक बार भर सकते हो, ये टोटली डिपेंड करता है शिप के ऊपर। तो अभी बात करते हैं पेमेंट या डिडक्शन के ऊपर। पेमेंट जो है, पेमेंट आपको कैश में नहीं करना है, ये सब सिस्टम में, ये हर एक कंपनी का एक सिस्टम रहता है, एक अलग अलग इंडिविजुअल सीफेरर के ऊपर एक एक अकाउंट रहता है जहां पे उसका सैलरी डिडक्शन होता है, मतलब सैलरी क्रेडिट होता है, एंड कोई भी डिडक्शन हुआ है, सब इंटरनेट कार्ड लिए हैं, कैश एडवांस लेते हैं, ये डिडक्शन कैलकुलेशन जो होता है एक सॉफ्टवेयर के बेस होता है एंड ये हैंडल करते हैं कैप्टन। तो ये जो बॉन्ड स्टोर का मैं बात कर रहा था, बॉन्ड स्टोर आपको कैश में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ता है, आप जो भी है अपना चीज ले लो एंड जो आपका डिडक्शन होगा आपका सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा एंड जो रेस्ट ऑफ जो मनी होता है, जो आपका सैलरी होता है वो आपका बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरा सैलरी अगर $1000 है एंड मैंने लास्ट मंथ में $200 का शॉपिंग कर लिया तो मेरा सैलरी हो गया $800, मतलब $200 काट के $800 मेरा अकाउंट में जाएगा। यही है बॉन्ड स्टोर का पेमेंट का फंडा। अभी हम लोग बात करेंगे बॉन्ड स्टोर के अलावा आप कैसे शिप पे शॉपिंग कर सकते हैं। शिप पे भी होता है, अगर आपका शिप जाता है चाइना तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरह का सामान। ये जो सारे सामान हैं ये कोई शिप का प्रोडक्ट नहीं होता है, ये बाहर से वेंडर लोग आते हैं, वही लोग कैरी करके लेके आते हैं एंड आपको उनके प्राइस के हिसाब से कैश में खरीदना है, क्योंकि ये चीज बॉन्ड स्टोर रिलेटेड नहीं है, टोटल आउटसोर्सिंग है। तो ये अगर वेंडर लोग आते हैं आप अपना पसंदीदा सामान ले लो, उनसे बार्गेनिंग कर सकते हो एंड कैश में पेमेंट करके वो चीज
अपना सकते हो। एंड अगर बात किया जाए दूसरे कंट्रीज, तो दूसरे कंट्रीज में भी ऐसे वेंडर आपको मिल जाएंगे, लेकिन चाइना की तरह इतना वैरायटी सामान वो लोग नहीं लाता है। जनरली लाते हैं कुछ फ्रिज मैग्नेट्स या फिर सोप पीसेस या सोबिनियर्स लाते हैं, या तो सिम कार्ड एंड फोन्स लेके आते हैं, तो आप उनसे भी खरीद सकते हो। वो भी आपको कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, वो सिप के रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, वो आउटसोर्सिंग होता है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर करूं रिगार्डिंग बॉन्ड स्टोर एंड क्या क्या बॉन्ड स्टोर में मिल सकता है, कैसे आप पेमेंट करके अपना पसंदीदा सामान ले सकते हो। अगर इसके बाद आपको कुछ कहना है, कुछ नॉलेज शेयर करना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे जरूर लिखे, मैं कोशिश करूंगा हर एक सवाल का आपका जवाब देने का। तो अगर ये वीडियो पसंद आया एंड मेरा क्रिएशन आपको अच्छे लगने लगे हैं, तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।